आज की ये जो आइसक्रीम की रेसिपी है ये सिर्फ 5 ही इंग्रेडिएंट के साथ बनी है और ये इतनी रिच बनती है कि ये सबको बहुत पसंद आती है। हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी और क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी। आप देख सकते हैं ना कितनी क्रीमी बनी है और टेस्ट में तो ये लाजवाब है। तो चलिए आज की इस रिच आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू करें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ केशु रोज आइसक्रीम, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/4 कप काजू लेंगे और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक कढ़ाई में हम 1 कप दूध लेंगे, इसे हम गैस पर रखेंगे और दूध में 1 बॉयल आने के बाद अब हम इसमें ये जो काजू हमने भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। और इस आइसक्रीम को इंस्टेंट बनाने के लिए आप इसमें काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हम दूध को इस तरीके से चलाते हुए बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद ये जो दूध है थोड़ा ठीक हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम, ये अमूल फ्रेश क्रीम है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सेम प्रोसेस से 4 से 5 मिनट के लिए हम दूध को इसी तरीके से चलाते हुए बॉईल कर लेते हैं। आप चाहें तो दूध को लो फ्लेम पर रखकर भी बॉईल कर सकते हैं। और ये देखिए हमने 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए दूध को बॉईल कर लिया है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को एकदम ठंडा होने देंगे। दूध एकदम ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना क्रीमी बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ये दूध डाल देंगे। और ये दूध डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप रोज एसेंस, और इसी के साथ मैं 1.5 टेबल स्पून गुलकंद डाल रही हूँ। गुलकंद डालने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इस आइसक्रीम का। ये जो गुलकंद है इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और इसमें हम इस आइसक्रीम को सेट करेंगे। और अब हम इस आइसक्रीम कंटेनर को 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। 7 घंटे बाद मैंने इस कंटेनर को निकाला है और ये देखिए आइसक्रीम सेट हो चुकी है। लेकिन इसे थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए हम इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम वैसे ही बहुत क्रीमी है, लेकिन इसे थोड़ा सा और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए हम इसे फिर से ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे एक बार में ही सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इस आइसक्रीम को फिर से ब्लेंड कर लिया है और ये बहुत ही क्रीमी बन चुकी है। तो अब हम इसे फिर से सेट होने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ये रोज सिरप डाल रही हूँ कलर लाने के लिए, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टूथपिक से मैंने इस तरीके से इसे मिक्स किया है और फिर से हम आइसक्रीम के कंटेनर को 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। और 7 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया है और इसे हम पानी के इस बर्तन में रख देते हैं। और ये देखिए ये आइसक्रीम हमने डिमोल्ड कर ली है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी क्रीमी बनी है और टेस्ट में तो ये लाजवाब बनती है। काजू और गुलकंद से बनी है आइसक्रीम आप ज़रूर बना करके देखिएगा, और रोज सिरप डालने से आइसक्रीम का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। देखा आपने, घर पर ही हम कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और इस आइसक्रीम को हम गार्निश करेंगे ड्राई रोज पेटल के साथ। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए टेस्ट में रिच और एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इस काजू रोज आइसक्रीम को ज़रूर बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल बटन आया है ना उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।